पापा पापा आप मुझे माफ कर दीजिए, आप तो सिर्फ ऊपर से सख्त हैं, अंदर से तो आप वही पुराने पापा हैं। हम तुम्हारे पापा हैं बेटे, हमेशा तुम्हारी भलाई की ही सोचते हैं। ये सुबह सुबह कहाँ गई थी? श्याम से मिलने, उसे ये कहने कि आपने हमारी शादी मंजूर कर ली है। जाने से पहले हमसे पूछ लिया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि ये सब झूठ है। क्या आपने चाचा से झूठ बोला? हाँ, श्रीकांत को दिल्ली भेजने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि वो अगर यहां रहता तो कुछ ना कुछ बखेड़ा करता। उसके वापस आने से पहले तुम्हारी शादी ठाकुर अमर सिंह के साथ हो चुकी होगी। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बेटे की जिद और शराबी भाई की इल्तिजा के आगे हम अपने आन बान मान मर्यादा को नीलाम नहीं कर सकते। तुम्हारी शादी ठाकुर अमर सिंह के साथ ही होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आपकी पत्थर की लकीर मेरी किस्मत की लकीर नहीं बन सकती पापा। मैं भी एक ठाकुर की बेटी हूँ, मुझ में भी ठाकुरों का खून है, ये मत भूलिए आप। हाँ, मैं बदतमीज हूँ क्योंकि मैंने आपके हुक्म को चुनौती दी है, और आप तमीज वाले हैं क्योंकि आपने हर कदम पर मुझे आंसू और तमाचों की दौलत दी है। इन आंसू और तमाचों को ठाकुरों की दीवारों पर हथियारों की तरह टांग देना चाहिए, ताकि एक बाप की दरिया दिली और बहादुरी का सबूत रहे। ये सब पैक कर दीजिए। जी, ये देखिए ठाकुर साहब, हमारी दुकान का बेहतरीन कंगन है। वाह, बहुत खूबसूरत है, इसे भी पैक कर दीजिए। जी, और हाँ, वो हार जरा दिखाइए मुझे। ठाकुर साहब, ये हार तो ऑर्डर का है, आपके लिए दूसरा बनवा देते हैं। लगता है ठाकुर साहब शादी बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। भाई, एक ही तो हमारी बेटी है, राधा बेटी, उसकी शादी तो धूमधाम से करनी ही है। क्या हुआ, अभी तक ये शादी का जोड़ा राधा को नहीं पहना है? ये जोड़ा नहीं, हमारी बेटी का कफन है। ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। राधा बेटी, दरवाजा खोलो। राधा बेटी, लो बेटी, जोड़ा पहन लो। मैं ये नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनोगी? मेरी शादी हो चुकी है पापा, अपने पति के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या भक्ति हो? आपके सामने ही तो श्याम ने अपने खून से मेरी मांग भरी थी। क्या क्या श्याम का खून उस सिंदूर से सस्ता है जो अमर सिंह की हवेली से आने वाला है? देखो बेटी, किसी का गंदा खून मांग में भर लेने से शादी नहीं होती, उसके लिए अग्नि के साथ फेरे लेने पड़ते हैं। और तुम अच्छी तरह जानती हो हमने अमर सिंह को वचन दे दिया है, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। नहीं, शादी नहीं कर सकती, नहीं, शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। जेल जाकर उस हरामजादे शाम को भून डालो और उसके घर को जलाकर राख कर दो। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें शाम की जिंदगी चाहिए या मौत? कहता है राधा तो शाम की जान है, अगर मैं मर गई तो शाम भी मर जाएगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं उस तक नहीं जा सकती, उसे अपना हाल नहीं बता सकती, मैं क्या करूं?